नमस्कार साथियों, निष्ठा 3.0 FLN इस कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि निष्ठा 3.0 यह कोर्स कक्षा 1 से 5 तक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और प्रधान पाठकों के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह कोर्स अक्टूबर माह 2021 से प्रारंभ है और प्रत्येक माह दो कोर्स प्रारंभ किया गया है, जिसे शिक्षक ऑनलाइन दीक्षा ऐप पर लॉगिन करके पंजीयन करके यह कोर्स कर रहे हैं। जो 12 कोर्स हमें करना है और इस माह मार्च में कोर्स 11 को पूर्ण करना है। इस तरह से इस माह में पूरे कोर्स पूरे हो जाएंगे। अक्टूबर माह से लेकर के इस माह तक दो कोर्स करते हुए पूरे 12 कोर्स कंप्लीट हो रहे हैं। आपको यह भी मालूम है कि 25 तारीख तक कोर्स में पंजीयन होता है, 26 तारीख को पंजीयन नहीं होता है, 25 तारीख को पंजीयन बंद हो जाता है और माह के अंत तक इस कोर्स को ऑनलाइन दीक्षा ऐप पर कर सकते हैं। आपको यह भी बताना चाहूँगा कि अगले माह पूरे कोर्स को फिर से ओपन करेंगे, ताकि उन शिक्षक साथियों को जो किन्हीं कारणवश ये 12 कोर्स नहीं कर पाए हैं, उनको एक बार और मौका मिल सकता है। ऐसा प्रावधान रखा जा रहा है और इस पर काम हो रहा है। तो संभवतः अगले माह आपको फिर से जो शिक्षक साथी नहीं कर पाए हैं ये 12 कोर्स, उनके लिए एक अवसर मिलेगा। इस माह के कोर्स में दो कोर्स हैं, कोर्स 11 और कोर्स 12। कोर्स 11 है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का एकीकरण, और कोर्स 12 है बुनियादी स्तर के लिए खिलौना आधारित शिक्षण टाय बेस्ड पेडागॉजी TBT कहते हैं। तो आइए कोर्स 11 को हम पहले देखें कि शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना प्रौद्योगिकियों को कैसे एकीकरण कर सकते हैं, क्या क्या बातें इस कोर्स में शिक्षक सीखेंगे, उनको विस्तृत रूप से देखेंगे और इन दोनों कोर्स को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच पिछले माह की भांति डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव सर आपके बीच उपस्थित है। और कोर्स 12 जो बुनियादी स्तर के लिए खिलौना आधारित शिक्षण है, उन्हें आपके साथ शेयर करने के लिए मैडम स्वाति दास जो डाइट से हैं और मैडम प्रीति सिंह जो SCERT से हैं, जो खिलौना आधारित शिक्षण के यहाँ SCERT के प्रभारी हैं। ये दोनों कोर्स बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम पहले कोर्स ICT पर चर्चा करना चाहेंगे और मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव सर से अनुरोध करता हूँ कि वो इन कोर्स के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, ये जो कोर्स का 11वां हिस्सा है वो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसको हम संक्षेप में इस चर्चा में ICT कहेंगे, उस पर आधारित है। आप देखेंगे कि ये जो ICT है वो किस प्रकार हमारे शिक्षण प्रक्रिया में मदद करता है और इससे हमारे सिखाने की प्रक्रिया और बच्चों को सीखने की प्रक्रिया कैसे बेहतर बन सकती है, इस चीज़ की जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो हम बारी बारी से शुरू करते हैं। आपके सामने जो स्लाइड्स आएंगे उनको मैं आपके सामने उसकी व्याख्या करूंगा। कहीं पर कोई सवाल हो तो आप हमको चैट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तो ये कोर्स 11 है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का एकीकरण। इसके उद्देश्य क्या क्या है, यहाँ पर 5-6 बिंदु में आपके सामने है, मैं पढ़ता हूँ इसको। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का वर्णन करना, छात्रों के मध्य FLN के विकास के लिए
शिक्षा शास्त्र के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लाभों की व्याख्या करना, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में उपयोग होने वाले विभिन्न ICT उपकरणों को पहचानना और उनका वर्णन करना, सामग्री की प्रकृति और शिक्षण अधिगम रणनीतियों के लिए उपयुक्त शिक्षण संसाधनों की पहचान करना, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं के लिए ICT सामग्री और शिक्षा शास्त्र का एकीकरण, इसके आधार पर शिक्षण अधिगम की योजना तैयार करना, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बच्चों के बीच मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पहचानने की समझ विकसित करने के कई तरीकों की खोज करना, ये हमारे उद्देश्य हैं। आगे चलते हैं। इस पूरे कोर्स की रूपरेखा क्या होगी, इसे भी हमने कुछ बिंदुओं में आपके सामने रखने की कोशिश की है। पहला बिंदु है ICT की अवधारणा, इससे हम समझेंगे कि ICT आखिर है क्या। दूसरी चीज है सामग्री, संदर्भ और शिक्षण के तरीकों के आधार पर ICT का उपयोग करने की गुंजाइश क्या क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा बिंदु है शिक्षण अधिगम मूल्यांकन, तीनों चीजें हैं, शिक्षण है, अधिगम मतलब सीखने की बात है, और इसका मूल्यांकन, इसके लिए उपलब्ध विविध डिजिटल संसाधन और प्रौद्योगिकियां क्या क्या है, इसे हम समझेंगे। ई सामग्री और प्रौद्योगिकी के चयन के मानदंड क्या है, ये बात यहाँ की जाएगी। और अंतिम बिंदु है ICT एकीकृत शिक्षण अधिगम की योजना बनाना, ये हम कैसे कर पाएंगे। ये पांच चीजें हैं जो हमारे कोर्स की रूपरेखा के अंतर्गत आती है। ICT एकीकरण की संभावनाएं, पहली बात जो हमारे सामने है वो है हमारी क्षमताओं में वृद्धि होती है। ये क्षमताओं में वृद्धि किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करती थी हम देखते हैं। ICT अधिगम का समय कक्षा के समय के बराबर होने की धारणा को समाप्त कर देता है। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं से बचने के लिए विद्यालय अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी शिफ्ट प्रणाली अपना सकता है। छात्र आधे दिन के लिए विद्यालय जा सकते हैं, आधे दिन घर पर, पुस्तकालय में, कार्यालय में या अन्य किसी अपरंपरागत स्थान जैसे खेलने का मैदान, उद्यान आदि में शैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी यहाँ पर समय का बंधन नहीं है, ये बात यहाँ कही जा रही है। दूसरा बिंदु है ICT को एक सीमा के रूप में कल्पित करने के स्थान पर यह अधिक समृद्ध अनुभव प्रदान करने के लिए मल्टीग्रेड स्कूलों का समर्थन कर सकते हैं। जब शिक्षक विशेष व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ा रहा है तब अन्य छात्र रेडियो पर शैक्षिक कार्यक्रम सुन सकते हैं। हमारी सामान्य कक्षाओं में बात संभव नहीं होती, हम एक साथ सभी तरह के बच्चों के साथ काम करते हैं, लेकिन ये जो ICT है वो हमको सुविधा देता है कि हम अलग अलग स्तर पर सीखने वाले बच्चों को अलग अलग समय पर उनके साथ काम कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है ICT विशिष्ट शिक्षक उपलब्ध न होने पर भी बड़ी संख्या में ई कंटेंट और ई कोर्स प्रदान कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। यदि बहुत शिक्षक हमारे पास जिस तरह की योग्यता के चाहिए यदि वो उपलब्ध नहीं है तो ये संसाधन हमारी मदद कर सकते हैं। चौथा बिंदु है सभी शैक्षिक वातावरण में सीखे गए शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन के लिए कैमरे का उपयोग, स्मार्टफोन वीडियो शायद सबसे शक्तिशाली उपकरण है। यह अवलोकन और मूल्यांकन, महत्वपूर्ण क्षणों को कैमरे में कैद करना, उन्नति का समर्थन करना, किस्सा गोई में सुधार करना और मुलाकात के क्षणों को कैद करने में मदद करता है। दूसरा बिंदु है अधिगम की गुणवत्ता में वृद्धि। ये देखिए जो बच्चों का अधिगम होता है उसकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। छात्र तभी प्रेरित होते हैं जब अधिगम गतिविधियाँ प्रामाणिक, चुनौतीपूर्ण, बहुविषयक और बहुसंवेदी हों। छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया में संलग्न करने के लिए वीडियो, टेलीविजन और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर उत्कृष्ट निर्देशात्मक और सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा संगीत, ध्वनि, रंग और गति छात्रों के संवेदी तंत्र को प्रोत्साहित करते हैं और अधिगम की प्रक्रिया को आनंददायक बनाते हैं। अधिगम की गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है, इसका निश्चित अर्थ है कि शिक्षण की गुणवत्ता में भी वृद्धि हो रही है। इसमें हम समझेंगे अधिगम को सुविधाजनक बनाने, अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाने में शिक्षक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। वे किसी भी शैक्षिक सुधार की सफलता की कुंजी रखते हैं तथा वे राष्ट्र के सफल मानव विकास के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास की नींव तैयार करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। चौथा बिंदु, तीसरे के ही कुछ पॉइंट्स और है। ICT और उचित रूप से विकसित मल्टीमीडिया सामग्री, अच्छी प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करके सिमुलेशन की सुविधा, अभ्यास शिक्षण का चित्र लेकर और विश्लेषण करके प्रशिक्षण संस्थान में विश्व स्तरीय अनुभव लाने, सामग्री और समर्थन के स्रोतों के साथ प्रशिक्षुओं को परिचित कराने और संभावित शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर
शिक्षकों के प्रारंभिक तैयारी में तथा शिक्षण अधिगम के लिए प्रौद्योगिकियों के उपयोग में संभावित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने में वृद्धि कर सकती है। ICT दूरस्थ शिक्षा कोर्स, अतुल्यकालिक अधिगम और मांग पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शिक्षकों के आजीवन उन्नयन और पेशेवर प्रगति की दुनिया का द्वार खोल देती है। जो प्रक्रिया अभी आप हमारे और आपके बीच चल रही है वो भी इस प्रकार के उपयोग का एक उदाहरण है। ICT पेशेवर अलगाव या पृथककरण को समाप्त करता है जिससे कई शिक्षक ग्रसित होते हैं। इंटरनेट के माध्यम से वे मुख्यालय, सहकर्मियों, सलाहकारों, विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञता केंद्रों के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। साथ ही मुफ्त शिक्षण संसाधनों, शैक्षिक सामग्री का एक्सेस भी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा बिंदु है कौशल निर्माण की सुविधा। ICT में कौशल निर्माण में उसी प्रकार योगदान करने की क्षमता है जिस प्रकार वे अधिगम और शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। इसके अतिरिक्त नेटवर्क प्रौद्योगिकियों में उपयुक्त समय पर सुविधाजनक स्थान पर सही लोगों को सही समय पर उचित ज्ञान और कौशल प्रदान करने की क्षमता है। ऑनलाइन कोर्स, ई प्रशिक्षण, व्यक्तिगत सही समय पर अप टू डेट और उपयोगकर्ता केंद्रित शैक्षिक गतिविधियों की अनुमति देता है। पांचवा बिंदु है आजीवन सीखते रहना। ये बहुत ही सामान्य बिंदु है, इसे आप समझ सकते हैं कि जो सीखना है वो एक निश्चित समय पर ही हो ऐसा नहीं है, हम लगातार सीख सकते हैं। ICT लचीले होते हैं, समय और स्थान से अप्रतिबंधित होते हैं, मांग पर उपयोग किए जा सकते हैं और समय पर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। उनके पास समकालिक के साथ साथ अतुल्यकालिक अधिगम के अवसर प्रदान करने की क्षमता है। इन सब से ऊपर अगर अच्छी तरह से तैयार किया जाए तो वे कुशल पैकेजों में विशेषज्ञता और अनुभव का खजाना बांध सकते हैं जिसे फीडबैक, नई मांगों और विभिन्न संदर्भों के प्रति संशोधित और अद्यतन किया जा सकता है। संभावनाएं वीडियो, पत्राचार, इंटरनेट और ई लर्निंग अधिरचना सहित प्रौद्योगिकियों की एक विशेष श्रृंखला में आती हैं। छठवां और अंतिम बिंदु है सामुदायिक संपर्क को आगे बढ़ाना। आधुनिक ICT ने प्रौद्योगिकी समृद्ध और प्रौद्योगिकी रहित क्षेत्रों के विभाजन में सुधार नहीं किया है। प्रौद्योगिकी व्यक्तिगत घरों द्वारा निर्मित विकल्पों का परिणाम नहीं है किंतु गरीब पड़ोसियों और ग्रामीण समुदायों में समृद्ध और अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में उपलब्ध आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी है। जहाँ तकनीकी भेद है, डिजिटल भेद है, वहाँ लिंग भेद भी है। इस विभाजन को जन्मजात महिला विशेषताओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि औद्योगिक दुनिया में महिला ICT उपयोगकर्ताओं की उच्च प्रतिशत और दुनिया भर के हजारों कार्यालयों द्वारा प्रमाणित किया गया है कि महिलाएं अक्सर पुरुषों की तुलना में कंप्यूटर और इंटरनेट इस्तेमाल में अधिक सक्षम होती हैं। ICT तक पहुंच व्यक्तियों और समुदायों के लिए अपने आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करने और उन्हें हाशिए से समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए व्यापक अवसर प्रदान करती है। एक डायग्राम आपके सामने है, इसे समझिए। इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि तकनीकी ज्ञान, शैक्षणिक ज्ञान और सामग्री संबंधी ज्ञान कैसे एक दूसरे के साथ कोरिलेट होते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट, ICT एकीकरण के दौरान विचार किए जाने वाले मापदंड। विचार किए जाने वाले मुख्य मापदंड नीचे तीन दिए हुए हैं। एक तो पहला है सामग्री की प्रकृति, दूसरा बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन के संदर्भ में नियम, और तीसरा बिंदु है शिक्षण और अधिगम के लिए शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी के प्रकार और इसकी विशेषताएं। मापदंड एक, पहला बिंदु जो हमने पढ़ा था सामग्री की प्रकृति, इसे समझते हैं। क्या सभी सामग्री के शिक्षण या अधिगम के लिए ICT का उपयोग करना आवश्यक है? पूर्व प्राथमिक अथवा प्राथमिक स्तर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ली गई सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंक गणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। पढ़ने की उत्सुकता, लिखने की उत्सुकता, संख्यात्मक तत्परता, ये तीन अलग अलग एरिया है जिसके अंतर्गत हम सामग्री की प्रकृति के बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए जो अलग अलग ज्ञान की श्रेणियां हैं उसको हम समझने की कोशिश की गई है। मेटाकॉग्निटिव ज्ञान, इसमें पहला बिंदु है सामरिक ज्ञान और दूसरा बिंदु है उपयुक्त प्रासंगिक और सशर्त ज्ञान सहित संज्ञानात्मक कार्यों के बारे में ज्ञान, और इसी का तीसरा बिंदु है आत्मज्ञान। दूसरी जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला का जो दूसरा पार्ट है वो है प्रक्रियात्मक ज्ञान, विषय विशिष्ट कौशल और एल्गोरिथम का ज्ञान, विषय विशिष्ट तकनीकों और विधियों का ज्ञान,
उपयुक्त प्रक्रियाओं को उपयोग कब करना है यह निर्धारित करने के लिए मानदंडों का ज्ञान। तीसरा है वैचारिक ज्ञान, वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान, सिद्धांतों और सामान्यीकरणों का ज्ञान, ई पूर्व सिद्धांतों, मॉडलों और संरचनाओं का ज्ञान। और चौथा है वास्तविक ज्ञान, शब्दावली का ज्ञान, विशिष्ट विवरण और तत्वों का ज्ञान। यहाँ पर जो ई सामग्रियाँ हैं उनकी व्यापक श्रेणियों को दर्शाया गया है, आप उसके विस्तार से देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, जैसे ऑडियो, वीडियो, इंटरेक्टिव, एनिमेशन, सिमुलेशन, ये अलग अलग संभावनाएं हैं जो ई सामग्री को अलग अलग श्रेणियों में हमारे सामने रखती हैं। शिक्षार्थी के संबंध में विचार किए जाने वाले मापदंड, किसी एक बच्चे के संदर्भ में भी हम सोचेंगे किन किन बिंदुओं पर हमको ध्यान देना चाहिए, तो वो यहाँ पर है जनसांख्यिकी, संज्ञानात्मक, शारीरिक, उत्तेजित करने वाला और सामाजिक। अभी ने हम बारी बारी से समझते हैं। पहला बिंदु है जनसांख्यिकी। एक शिक्षक वर्ग आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग सीमांतता, भौगोलिक स्थिति, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, पहुंच पर विचार कर सकता है। एक बच्चा जिस परिवेश में, जिस परिवार में जन्म लेता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे को प्रभावित करती हैं, उन तमाम बातों को यहाँ पर रखने की कोशिश की गई है। दूसरी बात है संज्ञानात्मक और पूर्व ज्ञान। शैक्षिक स्तर, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, पूर्वापेक्षा ज्ञान और अनुभव, अधिगम शैली, डिजिटल साक्षरता का स्तर और संज्ञानात्मक क्षमता, ये बच्चे के अंदर जो क्षमताएं निहित हैं उस पर यहाँ पर फोकस किया गया है। भावात्मक या उत्तेजित करने वाला, जो स्टिमुलेट करते हैं, उस तरह की चीज़ें कौन सी हो सकती हैं। शिक्षक और छात्र, शिक्षा और अधिगम, ऑनलाइन अधिगम वातावरण, स्वयं के प्रति दृष्टिकोण, प्रेरक स्तर, पारस्परिक संबंधों और रुचि के क्षेत्र के प्रति स्वयं के दृष्टिकोण का आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। इसलिए पढ़ाते समय छात्रों के इन पहलुओं को समझना महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि एक बच्चे के सीखने के लिए जो बहुत आवश्यक तत्व है वो ये है कि कैसे हम उसके अंदर प्रेरणा पैदा कर सकते हैं, और जो चीज़ें शिक्षक बच्चे के अंदर प्रेरणा पैदा करती हैं उन सब बिंदुओं के यहाँ पर समाहित करने की कोशिश की गई है। चौथी बात है सामाजिक। बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति से अवगत होना आवश्यक है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की रणनीति बच्चे के पास उपलब्ध बुनियादी ढांचे और सुविधा पर अत्यधिक निर्भर करती है। बच्चा किस परिवेश से आ रहा है, एक तो उसका पारिवारिक परिवेश हो सकता है, दूसरा उस परिवार के आसपास का वो हिस्सा जिसे हम उसके आसपास के समाज के रूप में देखते हैं वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। यदि हम उसका ध्यान रखते हैं बच्चे के लिए, यदि ACT से संबंधित चीज़ें उपलब्ध कराते हैं तो वो उसके लिए ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। शरीर विज्ञान संबंधी। एक शिक्षक को अपने छात्रों के सामान्य शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य एवं विशेष आवश्यकताओं से अवगत होना चाहिए। इस तरह की जागरूकता से उसे यह तय करने में मदद मिलेगी कि कौन सी चिकित्सा और चिकित्सकीय सहायता का सुझाव दिया जाना चाहिए और कौन सी सहायक तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बच्चे की शारीरिक स्थिति कैसी है इसको यदि हम समझ लें तो हम उसकी ज़्यादा अच्छी मदद कर सकते हैं। चौथा मापदंड है प्रौद्योगिकी, उपकरण और ई सामग्री। सिमुलेशन। ICT का उपयोग उन पदार्थों को प्रदान करने के लिए किया जा सकता है जो विद्यालय कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। जैसे हम रेलगाड़ी के बारे में बताना चाहते हैं और यदि हमारे आसपास वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो हम सिमुलेशन की सहायता से उनका अनुभव बच्चे को करा सकते हैं। उदाहरण के लिए पक्षियों, जानवरों की विभिन्न ध्वनियाँ और विभिन्न प्राकृतिक श्रव्य आदि, इस लक्ष्य के लिए सिमुलेशन का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है आभासी प्रयोगशालाएं। दिए गए ऑडियो की तुलना और विरोध करने के लिए समूह गतिविधि देना, क्योंकि ये ऑडियो ढांचागत चुनौतियों, समय की कमी आदि कारण संभव नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में आभासी प्रयोगशाला का इस्तेमाल आभासी परीक्षण के लिए किया जा सकता है। इंटरेक्टिव। वस्तुओं की निवर्तनीयता के आधार पर तुलना और विरोध करने के लिए एक गतिविधि, फिर वस्तुओं को वांछित गुणों के अंतर्गत समूहीकृत किया जा सकता है। जैसे कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें लुढ़काया या फिसलाया जा सकता है, ऐसी गतिविधियों के लिए इंटरेक्टिव या परस्पर संवादात्मक
डिजिटल गतिविधियों का उपयोग किया जा सकता है। सुरक्षा, हानिकारक शारीरिक प्रभाव, बच्चों का अधिगम, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास, हानिकारक सामग्री से संपर्क, नई प्रौद्योगिकियां अन्य महत्वपूर्ण शिक्षण और खेल गतिविधियों को विस्थापित कर रही हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए डिजिटल संसाधन लक्ष्य, तीन लक्ष्य यहाँ पर हमें दिए गए हैं। बच्चे में स्वास्थ्य एवं कल्याण विकसित करना, बच्चे में प्रभावी संप्रेषण कौशल गतिविधि विकसित करना, बच्चों को पूर्णतः सहभागिता पूर्ण विद्यार्थी बनाना और उन्हें अपने आसपास के वातावरण से जोड़ना। तो मित्रों, ये सारी बातें हमें यहाँ पर इस सामग्री के अंतर्गत मिली हुई है। जितनी चर्चाएं यहाँ पर हुई हैं उसके अलावा यदि आप इन्हें गौर से देखें, विस्तार से पढ़ें, तो ये चीज़ें और स्पष्ट हो पाएंगी।